मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की चाय टाइम हो गया 90 पीने है। दिसंबर में भी ही स्नो होता है। सौम्या है, बहुत प्यारे लोग हैं। यहाँ से देखिए यार, मैंने शूज़ पहने हैं, इसलिए मैं उतार नहीं चाहता, ठंड है। और ये सब पेंटिंग्स है ना जो गेस्ट आते हैं वो ड्रॉ करते हैं, सब यही होता है। ब्यूटीफुल ना, अमेजिंग। सो चलो फ्रेश होते नहाते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। होप सो कि हम 9:30 तक निकल जाएं यहाँ से, हाँ, क्योंकि फिर टाइम से नीचे आ जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हमें ना एप्पल ट्री मिल गए हैं, और जहाँ पे एप्पल हैं अभी तो देख सकते हैं, सब लगे हुए ना प्रॉपर, अमेजिंग यार। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये इग्निशन ऑन हो गया गाड़ी का, कल भी फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी, अभी देखते हैं। तो जय श्री राम, अमेजिंग। एक ही सेल्फ में यार, गजब। आप मिट्टी देख रहे हो कितनी मिट्टी आई हुई है, और देखो हम इसको हटाएंगे ना, बिल्कुल ब्लैक मिलेगा। देखो डिफरेंसेस दिखाता हूँ मैं, कितना डिफरेंट होगा। ये देख रहे हो वो वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक, कितना अलग है ना। सो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जलोर के पास चलते हैं, और वहाँ करके फिर शाम को 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, और फिर देखते हैं क्या प्लान होता है। तो तब तक के लिए सो गाइज, ब्रेकफास्ट हो गया है और निकलने का टाइम है। तो अभी हमें जलोरी पास जाना है, और हमें यहाँ पे एक बढ़िया वॉलंटियर मिली है, सौम्या। शी इज़ सो गुड, शी इज़। सो थैंक यू सो मच सौम्या, इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि कहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाके क्या क्या कंटेंट हो सकता है। और ये बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है, इन्होंने मॉर्निंग में मेरे फ़ोटो क्लिक किए 2-3, बहुत अच्छे आए। कि हमारे यहाँ पे अंकुश भैया के फ्रेंड, उन्होंने भी किए थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और चलो कालू रेडी है, सौम्या का ब्रेकफास्ट हो गया है, और मैं निकलता हूँ फिर। चलो ठीक है। तो फाइनली हम जलोड़ी पास पहुँच चुके हैं, और बहुत ही उम्दा नज़ारे भाई, बहुत गजब। गाड़ी पार्क कर दी है, यहीं से फोर्ट जाएंगे, यहीं से लेके जाएंगे, पर हमें गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो नज़ारे देख सकते हैं आप यार, अमेजिंग ना। सो गाइस, यहाँ डिसाइड हुआ कि हम फोर्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेक जाने के लिए भी 5 किलोमीटर का है स्टेप बाय, जो पैदल जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का रन है, और उसका मतलब है 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 1 घंटा वहाँ भी लग सकता है, तो 5 घंटे में तो यही रहेगा। तो हम फोर्ट जा रहे हैं पहले, और फोर्ट जा रहे तो फोर्ट ही जा रहे हैं भाई। ये भैया भी दिल्ली से हैं, तो अभी निकल रहे हैं, इधर से पैदल जाना पड़ेगा हमें। और ये देखिए नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अमेजिंग ना। तो ये रास्ता है, 100 मीटर के बाद ही कोई स्टेयर्स हैं, कुछ पहाड़ वहाड़ पर, वहीं जाएंगे। तो चलो फोर्ट कवर कर लेंगे आज, कोई इशू नहीं है। उधर हमारी गाड़ी खड़ी है, हम वॉक करके आए, और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। ये सारा हिल एरिया है, इधर से ही निकलना होगा। और ये देख रहे हैं आप रास्ता, ये शानगढ़ वाली ट्रैकिंग ही है दूसरा यार, बहुत पंगे होने वाले हैं। यहाँ भी एक भैया भाभी मिल गए हमें, और चलो मिलते जुलते चलता रहता है यार, अच्छे लोग हैं, अच्छे मिलते हैं, रूप पत्ता है। सो चलते ही चलते जाना है, यहाँ से ही चलना पड़ेगा सस्ता। तो अब
अभी चल रहे हैं। बड़ा यार पंगा रहता सोलो में ना कि कैसे क्या करना है, बट गजब वाला है यार, मजा बहुत आ रहा है, नो डाउट मजा आ रहा है। हाँ तो यहाँ से रास्ते जो है ना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसे रास्तों पे चलना पड़ रहा है। ग्रुप में आते हैं लोग तो बड़ा अच्छा रहता है कि हाँ बसें बातें होती हैं, बट जब अकेला होता ना आदमी थोड़ा सा डर भी रहता है कि जंगल से निकल रहे हो आप। और अजीब सा हस्ती देखिए ये वाला, इसे कैसे जाएंगे। मुझे अभी ना एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ कोई आपको साइन बोर्ड वगैरह नहीं है, बस बता दिया कि ये फोर्ट जाएगा तो हम सिर्फ फोर्ट ही कवर कर पाएंगे। मज़ा तो आ ही रहा है, हल्की हल्की धूप भी है, ठंड भी है, और ये देखो यार ये रास्ता है, कैसे कैसे जाएंगे ना, ये वाला रास्ता है, कैसे कैसे जाना पड़ रहा है, मतलब पैर आपका थोड़ा सा इधर हुआ सीधा यहाँ, तो वो चीज़ें हैं। तो चल तो रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, गजब वाला गजब उम्दा। सो गाइज फाइनली हम एक पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ हम पानी वानी ले सकते हैं, और फोर्ट अभी बहुत ऊपर है ना, 5 मिनट रुकेंगे देन चलेंगे। ओके लेट्स गो, पानी वानी पीते हैं यार, थोड़ा पानी वानी पियेंगे, बोतल लेंगे, बैठेंगे और आगे बढ़ेंगे। पता है यार मेरे साथ हमेशा पॉपर्ट होता है, पानी की नीड थी, कैफ़े एक, कैफ़े दो, एक इसके पीछे तीन, तीनों बंद हैं यार, कोई भी नहीं है, और पानी की नीड बहुत है यार, बहुत नीड है, अब क्या करें। चलो चल रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, पानी की वजह ना आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और मैं सच में बहुत बड़ी गलती करके बैठ गया, बहुत बड़ी, देखते हैं। ओह माय गॉड, ये अभी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि कहाँ है फोर्ट। मैंने 3 मिनट रुका था मैं, बट रुकने के बाद फिर चला तो फिर और ज़्यादा ब्रीथिंग इश्यू हो रहा है। पुष्पाराज नाइस भाई साहब, तो गाइस कुछ फ्रेंड्स मिले, पानी का इशू सॉल्व हो गया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और अभी नॉर्मल है, अभी ब्रदर कितना और अभी चलना है हमें, अभी आपको 10 मिनट और चलना है, 10 मिनट्स हाँ, सो 10 मिनट्स का और है अभी, बट ठीक है। बिग इशू की वहाँ पे नीचे जो कैफे थे ना वो भी बंद थे। ओके वेट मैम, मैं आपकी हेल्प कर,
नाइस गाइस यार, बहुत हेल्पफुल होता है ट्रैकिंग के लिए, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पानी का इशू नहीं है, आराम से जाएंगे। सो फाइनली हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, पर बहुत खूबसूरत है ना, अमेजिंग यार, हम बहुत हाइट पे आ गए हैं। देखिए वो हमारे बिल्कुल लेवल पे आ गया, हम बहुत नीचे थे। सो सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेट्स गो। यहाँ भी ऑलमोस्ट कैफे बंद है ना। हाँ दिस वन, अमेजिंग यार। थैंक यू सुनीता मैम एंड थैंक यू मैम मुझे डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड रवि ने बहुत हेल्प की है इन सब के लिए, तो स्पेशल थैंक्स फॉर रवि। थैंक यू सो मच। वहाँ से आए हैं, मैं आपको जूम करता हूँ, वहाँ से आए हैं और 11,000 फीट पे हम आए हुए हैं। 11,000 धूप है, बट जो धीरे धीरे हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी है। मैंने निकाल दिया क्योंकि पीठ पे स्वेटिंग वगैरह हो गया, थोड़ा सा इशू था। सो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, गजब वाला ना। और वहाँ से आना 11,000 फीट बहुत है, खा दूंगा तो आप 18,000 है, बट 11,000 भी बहुत ऊपर होता है। अभी हमें वहाँ जाना है यार, वहाँ। सो चलो मुझे निकलना होगा। सो गाइज आई हैव टू गो, सो ओके टेक केयर सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। सो गाइज हमें यहाँ श्रीनाथ और मोनिश भैया मिले, और ये बॉम्बे से हैं, और बॉम्बे से यहाँ आना तो मतलब कहते ना कि बिग डील वाली बात हो गई है। तो वो है यार, मतलब ये कैसे आपको पता चला कि सोचा भी है कुछ, क्योंकि बहुत कम एक्सप्लोर है ये, यूट्यूब पे भी नहीं है, तो कैसे डिसाइड किया है ना? वी वर स्टेइंग एट जीबी, ओके, और उन्होंने जो कैटेगरी है वहाँ के, उन्होंने बताया, ओके, ऐसे प्लेस है यू शुड गो। हमारा तो वैसे ही होता है यार कि वी जस्ट बॉट अ टिकट टू दिल्ली एंड वी केम, नथिंग प्लान्ड, ओके, जहाँ लेके जा रहे जा रहे बस। बैचलर ना, हाँ दैट्स फाइन ना, यही सही है, सख्त फ्लोंडे वाली बात है भाई। तो कहीं भी जा सकते हैं, हमें हमारे ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। सो हाँ, सबसे बेस्ट थिंग यही, हम बैचलर्स हैं, सिंगल हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार। सो गाइज ये यहाँ पे बेस्ट सिटिंग का एरिया है, और ये यहाँ पे आके आप कैंपिंग कर सकते हैं, बहुत ही गजब है। और यहाँ ठंड का बिल्कुल, आपका नाम तिलकराज भैया ने बताया कि यहाँ पे ये कैंपिंग कराते हैं, और बहुत अच्छा है। और ये पीछे देख सकते हैं, ये आपके लिए एक बनाया गया है छोटा सा बूथ सा, अच्छा है। और बेस्ट थिंग इसकी जो वो रूफ है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। और ये देखिए आप, अमेजिंग ना, तारों की छाँव में समथिंग लाइक दैट, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और सो तिलकराज भैया बहुत बढ़िया, और बढ़िया रहा, मैंने मैगी खाई है, पानी पिया है, और अभी निकलते हैं आगे के लिए। तो चलो चलते हैं, तो लीजिए भैया आप मैगी वैगी, मैं निकलता हूँ आगे, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू भाभी। चलो चलते हैं भाई, अभी आगे और चलना है। अभी मुझे पानी का बॉटल मिल गया है, दूसरा कैफे था ही, आई थिंक लास्ट कैफे होगा, आगे भी ठीक है, उसको मिल गया बॉटल। ये 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं बॉटल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से नीचे से ऊपर पानी लाना बहुत मेहनत का काम है, तो ये
इनका बनता है यार। कितना अच्छा लग रहा है, लुक एट दिस। आई थिंक ये नज़ारे देख के आप बोर नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार ये देखना भी ना बहुत बहुत खूबसूरत है, देखने के लिए बहुत बहुत। ये पूरा ग्रीन है, कोई स्नो नहीं है, कोई स्टोन्स वगैरह का इशू नहीं, पूरा ग्रीन है यार। हम ओह माय गॉड, फाइनली हम पहुंच गए हैं, वो है फोर्ट सामने आप देख रहे हैं। हाँ ये वाला फोर्ट है, तो चलो सो गाइस चलो फोर्ट चलते हैं, क्या है क्या नहीं। 1 2 3 ये फोर्ट है यहाँ। सो फाइनली गाइस फोर्ट आ गए हैं, यहाँ कुछ पेंटिंग की हुई है, ये टूटा हुआ है कुछ, ये शायद बाद में बनाया, कुछ सीमेंटेड है, कुछ हुआ हुए, बट ये सब पत्थर का बनाया गया। ये पत्थर ही यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि ये पत्थर यहीं के करके यहीं ये मंदिर बनाया गया है, यहीं सारी चीज़ें वॉल वगैरह सब बनाई गई है। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। अभी हम टॉप पे जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या होता है। गड्ढे बनाए पानी के लिए होंगे गड्ढे, ये मंदिर है यहाँ का। और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, जो ग्रुप थे पीछे आए बहुत, पूरा मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। सो ये इसकी वॉल्स की है, बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है, बहुत पुराना है। ध्यांगी जी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आग वगैरह चलाई गई है और बहुत अच्छा बनाया गया है। आई थिंक मुझे यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए, शायद मेरे शूज़ वगैरह पहने हुए हैं तो शूज़ अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो अच्छा है, वो भी एक छोटी सी गुफा बनाई है, अच्छा एक यहाँ देखिए। नाउ वी आर ऑन टॉप, देखो वहाँ एक आदमी कोई दिखाई दे रहा है, हमें ये फोर्ट देखने को मिला है। देखो वहाँ भी है, वहाँ से वॉल्स है, हमें जाना होगा तो वापस यहीं से जाके वहाँ से निकल ले जाना होगा। चलो एक दो फोटो वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं। सो हम फोर्ट का डन हो गया है, यहाँ चलेंगे, फ़ोन को चार्ज करेंगे, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करेंगे, देन हम पहुँचेंगे। सो गाइस फाइनली चलते हैं अब यहाँ से, और फ़ोन चार्ज करेंगे, फ़ोन को मोबाइल चार्ज करेंगे थोड़ा देर, नीचे कैफे में बैठेंगे। सो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइस ऑलमोस्ट डन, चलते हैं यहाँ से और अभी नीचे चलेंगे, और नीचे जाके आज का सिर्फ यही काम डन हो पाएगा कि फोर्ट हमने कंप्लीट किया। ये इधर हम आए हैं, उसमें तमें मारी, ये फोर्ट। सो चलो करते हैं फिर वो कैफे, वहाँ बैठेंगे हम जाके। सो छोटा सा ब्रंच हो गया है, कॉफ़ी और थोड़ा सा खा लिया कुछ, और यहाँ भरत भैया हैं, भरत ठाकुर यही शेफ है, यही इनका अपना छोटा सा स्टॉल है। ओके भैया टेक केयर, ये भैया विशादरा से जा रहे हैं, और ये भरत भाई है, थैंक यू सो मच भरत भाई, बहुत अच्छी चाय थी, इनके फ्रेंड हैं दोनों, और कैंपिंग के लिए भी आना भाई जी कभी, श्योर श्योर श्योर। और फोर्ट से ये अपना फोर्ट है ऊपर, बिल्कुल लास्ट वाला स्टॉल इनका ही है, तो फिर अच्छा रहा ऑलमोस्ट जो एक्सपीरियंस था। अभी उतरते वक्त कम टाइम लगेगा, बोल रहे हैं 40 मिनट्स ना, 40 मिनट्स में, तो 40 मिनट्स में हम नीचे चले जाएंगे। दैट्स गुड, साउंड्स गुड।
तो चलो, तो चेक के भाई, बाय बाय, चेक के, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो अभी हम उतर रहे हैं, उतरते वक्त शायद हमें टाइम ना लगे, बट बी केयरफुल क्योंकि पैर स्लिप हो सकता है बहुत, क्योंकि अब स्पीड से उतरा जाएगा, आपको बड़ा कंट्रोल, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, पैरों का ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि हम स्लिप ना हो। तो देख रहे हैं ऐसे ही आते वक्त चेस में, अब जाते वक्त देख रहे खुद पे खुद भागना पड़ रहा है हल्का हल्का बहुत, क्योंकि आप 40 मिनट्स में हम नीचे चले जाएंगे, आते वक्त हमें 2 आवर्स का टाइम लगा था, प्लस ही होगा 2 आवर्स, अभी 40-50 मिनट्स मैक्स। ये सामने रोड है और हम बहुत जल्दी आए, हम 2:15 पे थे, तो हम 40 मिनट्स भी नहीं लगे यार। हाँ 40 मिनट्स भी नहीं लगे मुझे, मेरे को आई थिंक 35 मिनट्स का 2:05 ऐसा कुछ निकला था, देन ऑलमोस्ट डन। तो फाइनली भैया भी अभी निकल जाएंगे और हम भी कालू को लेते हैं और निकलते हैं। डीएल डीएल ओके ब्रदर, ओके थैंक यू सो मच। सो तो चलते हैं फिर, थैंक यू, टेक केयर। सो गाइस आज का ट्रैक पूरा हुआ, गाड़ी में बैठते हैं और होटल चलते हैं, तो अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। सो गाइस फाइनली मैं रूम में आ गया हूँ, लंच कर लिया था मैंने, होटल पहुँच के किया था, राजमा राइस बहुत अच्छे यहाँ के फेमस है राजमा राइस, तो आपको ट्राई करना चाहिए अगर यहाँ आते तो। और ये मेरा रूम है, बहुत ही गजब वाला मेरा रूम है, अमेजिंग। यहाँ बालकनी, बालकनी तो नहीं ग्लास है, मिरर है, बहुत गजब है, अच्छा व्यू है, वॉशरूम भी बहुत डिसेंट है, सी अमेजिंग। सो मुझे चाहिए अब एक नैप, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि रात में होना है बहुत काम, और फिर करते हैं फिर पार्टी वार्टी।